बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं जब उन्होंने एक इवेंट के दौरान ये कमेंट कर दिया कि इंडिया में जो इतनी मौतें हुई है कोविड के कारण वो एलोपैथिक दवाइयों की वजह से हुई है। फिर क्या था, उनकी ये वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि कोविड-19 में यूज़ होने वाली मेडिसिन लाइक रेमडेसिविर, फेविफ्लू, ETC जैसी दवाइयाँ भी किसी काम की नहीं है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेज दिया और उनको IMA का मार्गदर्शन करने के लिए कहा। आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, आपको किस पे ज़्यादा भरोसा है? मुझे तो लगता है कि दोनों ही अपनी जगह ठीक है। मुझे तो इवन ये लगता है कि हम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हमारे पास आयुर्वेदा जैसा पावरफुल साइंस भी है। यार सही बात है, एलोपैथी से ठीक नहीं हुए तो आयुर्वेदी के पास चले जाओ, आयुर्वेदा से ठीक नहीं हुए तो एलोपैथी के पास चले जाओ। दुनिया के पास एक है, हमारे पास दो दो, हम फिर भी लड़ रहे हैं उसको लेके। गौतम अदानी जी फिर से थोड़े से और अमीर हो गए हैं। गौतम अदानी चाइना के जोंगशांग को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। अदानी जी की करंट नेटवर्थ 66.5 बिलियन है और वो दुनिया में 14th नंबर पे आते हैं। मुकेश अंबानी एशिया में अभी भी पहले पायदान पे बने हुए हैं और दुनिया में उनकी रैंक 14th आती है। यार मुझे तो कभी कभी लगता है इंडिया में बस मुकेश अंबानी, आदित्य, टाटा बिरला, इन्फोसिस यही रह जाएंगे। ग्लोबल स्टॉक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म स्टॉकल ने कहा है कि लास्ट 12 महीनों के दौरान भारतीय लोगों ने 700 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया है US मार्केट में उनके ऐप का यूज़ करते हुए। मैं बता दूं दोस्तों कि स्टॉकल एक स्टॉक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप इंडिया से बाहर की कंपनीज लाइक टेस्ला, नेटफ्लिक्स और दूसरी US या किसी और कंपनी में पैसा लगा सकते हैं उनके ऐप का यूज़ करते हुए। वैसे तो जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो जैसी और भी बहुत सारी कंपनी हैं भारत में जिनके ज़रिए आप इंडियन कंपनीज़ के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर यू नो अगर आपको बाहर इंडिया के बाहर किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना है तो स्टॉकल जैसे किसी ऐप को यूज़ करना होगा। तो यार क्या आप लोग भी एप्पल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज़ में अपना पैसा लगाना चाहेंगे अगर आप लोगों को मौका मिलता है? या अभी मेरी तरह देसी बंदे हैं और देसी कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीछे जो स्वेज कनाल का इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते स्वेज कनाल एक हफ्ते तक ब्लॉक हो गई थी और इस ब्लॉकेज के दौरान इजिप्ट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था, ये हम सभी को पता है। और जब उस शिप को किसी तरह अथॉरिटीज़ ने रास्ते से हटाया तो उसको आगे जाने नहीं दिया गया क्योंकि इजिप्ट का कहना है कि इस पूरे इंसिडेंट में शिप क्रू की गलती ज़्यादा थी इसलिए उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट एवर गिवन शिप के ओनर शोई काइशन जो कि एक जापानीज बिजनेसमैन है, उन्होंने 916.5 मिलियन US डॉलर का कंपनसेशन देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि स्वेज कैनाल अथॉरिटीज़ ने आखिर शिप को ख़राब मौसम के चलते हुए भी कैनल को क्रॉस करने की परमिशन क्यों दे दी। ये भी सही बात है यार। और मैं बता दूं दोस्तों कि वो शिप जब से वहाँ से हटी है तब से वो शिप इजिप्ट में ही है, इजिप्ट की अथॉरिटीज़ ने उसको रिलीज़ नहीं किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है फ्रॉम 24 में क्योंकि उनके हिसाब से कोविड-19 के केसेस अब इंडिया में कम होने लगे हैं और उन्होंने अपने 90% एम्प्लॉई जो 45 साल से ऊपर वाले थे उनको ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया है। हाँ यार मुझे भी यही लगता है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए वरना यार मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर इस पेंडेमिक के बीच आप लोगों को भी फैक्ट्री जाने का मौका मिले काम करने के लिए तो क्या आप जाना चाहेंगे?